देखिए अभी हमारा देश और पूरी दुनिया एक बहुत ज़बरदस्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी के सभी, हमारे संगठन के दोनों अध्यक्ष जी, हमारे सभी विधायक और मैं स्वयं भी सांसद, हम सब आज पहले जिलाधीश महोदय से हम मिले और जो भी समस्या है, जो दिक्कतें आ रही है, जो शिकायतें हैं, एक्चुअल में अभी चाहे हमारी तरफ से हो चाहे कोई दूसरी पार्टी से, किसी तरफ से कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम सबका एक ही धर्म होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश राजस्थान में, हमारे यहाँ अजमेर में, सब जगह इस बहुत बड़ी एक महामारी, एक त्रासदी है, उसको, उस पर हम विजय कैसे पाएँ, हम इस कोरोना को कैसे भगाएं। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ विधायकगण, हमारे जिलाध्यक्ष, बार बार शिकायतें आ रही थी कि ऐसी त्रासदी में भी दुर्भाग्य है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है। हम कभी ऐसी त्रासदी में राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो बहुत बड़ा एक हमारे पास ऐसे सक्षम नेतृत्व है, अरे इसी का आपके सामने, आप तो मीडिया के भाई हो, मैं तो आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और सारे जितने भी जो आज चाहे प्रशासन हो, चाहे मेडिकल लाइन से हो, चाहे पुलिस लाइन से हो, चाहे सफाई कर्मी हो, जितने भी सारे के सारे एक बहुत एकजुटता से इस देश को बचाने में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में भी यहाँ बहुत बड़ी एक ज़बरदस्त एक शिकायत आ रही थी कि यहाँ भी एक राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारे जो विधायक हैं वो MLA फंड से जो राशन सामग्री के लिए फंड देते हैं उनको रिलीज नहीं करते हैं, और बाकी है जो कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जा के घर घर और भीड़ इकट्ठी कर करके और उनको सामग्री वितरण कर रहे हैं। हमारे पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह जी रावत साहब, उन्होंने MLA फंड से सामग्री दी, उनको नोटिस दे दिया। तो इस तरह का जो प्रशासन भी यदि एक पार्टी विशेष का बनकर रह जाए तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमने प्रशासन को सावचेत करने के लिए, उनको चेताने के लिए कि ऐसा ना हो कि हमें फिर और कदम उठाना पड़े, इसके लिए हम आज कलेक्टर साहब से, SP साहब से मिले हैं। मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और भी सारे सभी को, और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस तरह की कोई प्रशासन जो एक दुआब में और एक पार्टी विशेष के लिए कार्य कर और एक प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी को जो कर रहे हैं उनमें सद्बुद्धि आए और इस तरह का काम भी करें, इसलिए आज ये बैठक।